इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां नानकमत्ता में डिग्री कॉलेज खुल गया है। आपको बता दें, विधायक प्रेम सिंह राणा ने उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत, मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद करते हुए कहा कि नानकमत्ता में डिग्री कॉलेज स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि सत्र 2021-22 से नानकमत्ता डिग्री कॉलेज में बीए और बीएससी की कक्षाएं संचालित की जाएंगी, जिसके लिए प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है, जिससे क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अब दूर नहीं जाना पड़ेगा और अपने ही क्षेत्र में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, राजकीय महाविद्यालय नानकमत्ता में प्रवेश प्रक्रिया पिछले 15 दिन से शुरू हो चुकी है। इसमें हम लोगों के अनुमानित 80 फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, जिसमें लगभग आपके जो 45 से 50 फॉर्म हैं वो बीए के लिए हैं और 10 फॉर्म जो आपके हैं वो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री बायो ग्रुप के लिए हैं। उसी तरीके से 10 या 15 फॉर्म के बीच में हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए गए हुए हैं। अभी भी बच्चे एडमिशन के लिए लगातार आते रहे, आने में लगे हुए हैं, तो ये प्रवेश प्रक्रिया हम एडमिशन को देखते हुए अगले एक हफ्ते तक जारी रखेंगे। नानकमत्ता में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति मिल गई है और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और हमारे यहां प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है और मैंने अपना कार्यालय डिग्री कॉलेज चलाने के लिए दिया है। प्रिंसिपल मैडम और एक बाबू यहाँ काम कर रहे हैं। आज तक 100 से ऊपर एडमिशन हो चुके हैं और मुझे लगता है कि ठीक संख्या में एडमिशन हो गया और बहुत जल्दी हमारे यहाँ ये सुनकड़ी में हमारा जमीन है जिला पंचायत की, उसमें हमारा बिल्डिंग का क्या कहते हैं बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया है और उसके लिए हम जल्दी पैसा स्वीकृत कराएंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सौगात नानकमत्ता को मिली है और नानकमत्ता में शिक्षा के क्षेत्र में पहले से भी हब रहा है और आने वाले समय में और अच्छी उच्च शिक्षा और गुणवत्ता के साथ छात्र और छात्राएँ अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ पर साइंस और आर्ट फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट हैं और सभी के लिए हमारे पास शिक्षक आ जाएंगे। जैसे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी हमारे पास शिक्षक मिल जाएंगे।